वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में डीजल साइकिल की इफिशियंसी के बारे में पढ़ा था और एक कंसेप्ट को अच्छे से सीखा था। मैं आपको बताया था कि हीट एडिशन कैसे लिखेंगे, हीट रिजेक्शन के इक्वेशन कैसे लिखेंगे, फर्स्ट लॉ से उसे कैसे कनेक्ट करेंगे। अगर पीवी डायग्राम से हम टीएस डायग्राम पे हम मूव करते हैं तो पीवी डायग्राम से टीएस डायग्राम बनाने के लिए हम लोग कहाँ पे इंट्रोपी कांस्टेंट होता है, इंट्रोपी कांस्टेंट कैसे होगा, मैं वो इक्वेशन को आपको लिखकर दिखाया था, प्रूफ करके दिखाया था। एंड आई होप आप हर कंसेप्ट को अच्छे से काफ़ी माइन्यूटली ढंग से आप समझे होंगे और काफ़ी चीज़ों को माइन्यूटली ढंग से अंडरस्टैंड किए होंगे, हर पॉइंट को नोट डाउन किए होंगे और वीडियो को आप स्टार्ट से अंत तक देखे होंगे। ठीक है, चलिए उसी के साथ आज नए लेक्चर का स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम डेरिवेशन कर लिए थे ऑलरेडी डीजल साइकिल पे, उससे रिलेटेड कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में बहुत सारे कंसेप्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को आपके लिए समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। मैं ऑलरेडी हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग अच्छा करना तो थर्मल इंजीनियरिंग अच्छा करोगे तभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग अच्छा होगा। ठीक है, तो आप थर्मल इंजीनियरिंग के हर कंसेप्ट को काफ़ी अच्छे से बेहतरीन ढंग से आप समझिए, काफ़ी डीपली समझिए, तभी आपको थर्मल इंजीनियरिंग अच्छा होगा। ठीक है, और जो भी मैं आपको न्यूमेरिकल करवाता हूँ, वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन करवाता हूँ, वो अच्छे अच्छे लेवल का एग्जाम में आता है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज जैसे एग्जाम में आता है। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों को है ना अभी से है ना प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप धीरे धीरे चीज़ों को कंसेप्ट को आप दिमाग अपने माइंड में स्टोर करोगे, विजुलाइज करोगे, तो वो एक सर्टेन टाइम के बाद वो एक बड़े लेवल में आ पाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको हर चीज़ मेरी हर बात आपको अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, तो चलिए आज क्वेश्चन के साथ मूव ऑन करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें लिखा हुआ एक डीजल साइकिल है जिसका आपका कंप्रेशन रेशियो दिया हुआ है। यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो दिया हुआ है, कंप्रेशन रेशियो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कंप्रेशन रेशियो क्या होता है। फिर बता रहा है कंप्रेशन बिगिंस है, इस प्रेशर पे कंप्रेशन बिगिंस होता है। ठीक है, ये टेम्परेचर दिया हुआ है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि हीट एडेड जो है ना इतना दिया हुआ, हीट एडेड यहाँ डायरेक्ट गिवेन है। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना मैक्सिमम टेम्परेचर, फाइंड आउट करना वर्क डन पर केजी ऑफ एयर, फाइंड करना साइकिल का एफिशिएंसी, फाइंड आउट करना द टेम्परेचर एंड एट द एंड ऑफ आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, फाइंड आउट करना कट ऑफ रेशियो, फाइंड आउट करना मीन इफेक्टिव प्रेशर, फाइंड आउट करना। चलिए आगे क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए इसका डीजल साइकिल का पीवी डायग्राम कुछ इस तरह से होगा, मैं ऑलरेडी डेरिवेशन में बता चुका हूँ, तो आई होप आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड किए होंगे, जिसमें ये वाला आपका दोनों प्रोसेस जो है आइसेंट्रोपिक होता है, जिसमें 1 से 2 आपका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन और 3 से 4 आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है, और यहाँ पे 2 से 3 में कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होता है और 4 से 1 में कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन होता है। देखिए इनिशियल कंडीशन आपका दिया हुआ है, इनिशियल कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, कंप्रेशन बिगिंस एट दिस मच ऑफ प्रेशर, दिस मच ऑफ प्रेशर एंड दिस मच ऑफ टेंपरेचर, तो यहां पे मैंने लिख दिया कंप्रेशन स्टार्ट कहां से हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2 तक एंड हो रहा है, तो T1 का टेंपरेचर कितना है, ये है दिस, और P1 का प्रेशर कितना है, दिस मच। ठीक है, ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें प्लस मैं आपको बताया था इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 से ऐड कर देंगे, तो ये आपका केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सब यूनिट को आप कोशिश कीजिए, कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो यूनिट को है ना पहले सही से कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, यूनिट एक बार कन्वर्ट हो गया तो आपका क्वेश्चन सही से बन पाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन में मूव ऑन करते जल्दी से। देखिए सबसे पहले आप एक इक्वेशन जानते हैं V1, ये आप आइडियल गैस इक्वेशन जानते हैं ना, P1 V1 is equals to RT1 आप जानते हैं। ठीक है, तो P1 V1 is equals to RT1, आप यहाँ से वॉल्यूम निकालेंगे तो आपका टेम्परेचर गिवन है, प्रेशर भी गिवन है, तो आपका वॉल्यूम निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर T1 दिया हुआ है, P1 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं इजिली, तो यहाँ पे V1 बराबर मैंने लिख दिया RT1 by P1। ठीक है, R का वैल्यू होता है दिस मच, ये होता है इसका यूनिट होता है, इसका यूनिट होता है, इसका यूनिट होता है आपका, हाँ आपका यूनिट इसका होगा किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी केल्विन इसका यूनिट होगा। ठीक है, तो आप ये आर का यूनिट है, दिस मच ऑफ आर का वैल्यू है 0.287, ये कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सारे वैल्यू को पुट अप कर दीजिए, टेम्परेचर का वैल्यू पुट अप कर दीजिए, और ये देखिए यहाँ पे आपका जो प्रेशर दिया हुआ है, तो प्रेशर को आप SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे ना,
SI यूनिट मतलब ये एमपीए दिया हुआ है 0.1 एमपीए। एमपीए का मतलब होता है, एमपीए का मतलब आपका होता है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। और मैं आपको ऑटो साइकिल का जब न्यूमेरिकल करवाया था तो इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करके दिखाया था, ठीक है, कि एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इस एमएम को हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो एमएम को मीटर से कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको न्यूटन एज इट इज रहने देंगे और इसको एमएम को कन्वर्ट करने के लिए 1/1000 से डिवाइड कर देंगे, 1/1000 से डिवाइड कर देंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तब मतलब ये आ जाएगा 10^6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, 10^6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको फिर कन्वर्ट कर देंगे तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बोलते हैं पास्कल, इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का 10^6 पास्कल हुआ। अब इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 10^3 केपीए किलो पास्कल, ठीक है। आई होप आप ये अच्छे से समझे होंगे। तो यही अब इसको क्या कीजिए, जब ऊपर में यूनिट आप ले रहे हैं, यहाँ पे किलो जूल में ले रहे हैं, ठीक है, तो प्रेशर का भी वैल्यू आप किलो पास्कल में लीजिए। तो किलो पास्कल में आप लेंगे तो ये 1000 से आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये P1 का वैल्यू जब एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 0.1 जो है आपका जो 0.1 है, 0.1 में आपको 0.1 में 10^3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपका 100 आ जाएगा, 100 किलो पास्कल केपीए आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो वही चीज यहाँ पे मैं जल्दी से 100 का वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ से आपका वॉल्यूम निकल गया मीटर क्यूब पर केजी में, ठीक है। उसी तरह से V1 का वैल्यू जब पता चल गया तो यहाँ पे देखिए कंप्रेशन रेशियो क्वेश्चन में कंप्रेशन रेशियो गिवन है 50, ठीक है, जो कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ कंप्रेशन रेशियो मैं यहाँ पे आपको लिख कर दिखाया हूँ, ठीक है। तो कंप्रेशन रेशियो हम जब लिख कर दिखाएं तो ये V1/V2 हो जाएगा, तो आपको V1 पता चल गया तो V2 भी पता चल जाएगा यहाँ से, तो ये दोनों वॉल्यूम आपने फाइंड आउट कर दिया। उसके बाद आप देखिए क्यू गिवन दिया हुआ है, हीट एडिशन आपका दिया हुआ 1675 मेगा जूल पर केजी, मेगा जूल मतलब यहाँ पे 2 से 3 के बीच में हीट एडिशन का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो वही इतना दिया हुआ था, हम लोग क्या लिखते हैं, हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं डीजल साइकिल में क्यू एडिशन कितना होगा, सीपी डेल्टा टी। तो डेल्टा टी क्या होता है, सीपी डेल्टा टी। तो डेल्टा टी क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर होता है, ये चेंज इन टेम्परेचर था, फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा। तो फाइनल टेम्परेचर देखिए 3 है और इनिशियल टेम्परेचर 2 है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा T3-T2, ठीक है, इतना तक आप समझ गए, ठीक है। उसके बाद आप चलिए आप 1-2 प्रोसेस में, तो यहाँ पे TV गामा माइनस वन इज इक्वल टू आप कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं। तो फिर से वहां से इक्वेशन ये वाला, ये इक्वेशन आप लिख सकते हैं, तो यहाँ से T2/T1 का फॉर्मूला आ जाएगा, जिसको V1/V2 का जब वैल्यू पुट करेंगे, V1/V2 मतलब कंप्रेशन रेशियो ये वाला वैल्यू, ठीक है, तो ये 15 पुट करेंगे। उसके बाद ये आप सिंप्लीफाई होके ये 2.954 आ जाएगा। फिर यहाँ से आप T1 का वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए T1 यहाँ गिवन है, T1 गिवन है 313, पुट कर दीजिए आपका T2 निकल गया था, T2 टेम्परेचर निकल गया। तो इसी तरह से फिर आगे मूव कीजिए, तो ये क्यू इन जो है 1675 है इज इक्वल टू, अब यहाँ सीपी का वैल्यू क्या होता है, सीपी का वैल्यू मैं ऑलरेडी बताया हूँ कि ये जो है ये सीपी ऑफ एयर का वैल्यू है, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है। और सीवी का वैल्यू मैं ऑलरेडी, ये दो वैल्यू को आप हमेशा याद रखिए, सीवी का वैल्यू कितना होता है 0.0718 ये होता है किलो जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। तो आप आई होप आप ये वैल्यू को हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप फिर क्या करेंगे, यहाँ पे आप चीजों को पुट कर देंगे, ठीक है, जैसे ही आप पुट करेंगे यहाँ T3 का वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा, मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द साइकिल, मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, तो T3 आपका निकल के आ जाएगा। T3 जैसे ही आप निकाल लिए
T3 निकाल लिया तो उसके बाद आगे मूव ऑन कीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे P2 बाई P1 फिर से यहाँ पे 1 1 2 प्रोसेस के लिए चलिए, आइडियाबैटिक प्रोसेस है मतलब आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस है। देखिए क्वेश्चन में 1 2 क्या है, आइडियाबैटिक प्रोसेस है, 1 2 आइडियाबैटिक प्रोसेस है। तो यहाँ पे आप इस तरह से इक्वेशन को फिर से लिखेंगे, इस तरह से इक्वेशन को फिर से लिखेंगे P2 बाई P1 इजिकल्स टू V1 बाई V2 का पावर गामा, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन इसने इन लोगों ने यूज किया है, यहाँ पे इक्वेशन ये यूज हुआ है, यहाँ पे मैं इक्वेशन यूज किया हूँ पी वी गामा इजिकल्स टू कॉन्स्टेंट, पी वी गामा इजिकल्स टू कॉन्स्टेंट वाला इक्वेशन प्रूफ किया है, यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ से आप प्रेशर का वैल्यू निकालेंगे, तो प्रेशर का वैल्यू आपका आ जाएगा निकाल के 4431 के पी आ जाएगा आपका निकाल के प्रेशर का वैल्यू, ठीक है। आई होप आप ये चीज को अच्छे से समझेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे इक्वेशन को यूज कीजिए, इक्वेशन को यूज कीजिए, आइडियल गैस है तो P2 V2 by T2 = P3 V3 by T3, ठीक है। तो आप ये जो 2 से 3 प्रोसेस के लिए यूज कर रहे हो, ये वाला इक्वेशन किसके लिए यूज कर रहे हो, 2 से 3। तो देखिए यहाँ 2 से 3 देखिए ऊपर में 2 से 3 आपका क्या कांस्टेंट प्रेशर, तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर जैसे ही कांस्टेंट होगा तो P2 = P3 हो जाएगा। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आपका V3 वॉल्यूम निकल जाएगा। तो जैसे ही वॉल्यूम निकाल लोगे तो आप यहाँ पे वैल्यू को पुट करो, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, T3 का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, फिर T2 का वैल्यू पुट करो और फिर V2 का वैल्यू पुट करो, तो आपका यहाँ से निकल जाएगा V3 वॉल्यूम निकल जाएगा V3, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए, तो उसके बाद आपका RC बराबर, RC क्या है, RC देखिए फिर से दिखा रहा हूँ, RC क्या है, कट ऑफ रेशियो, ठीक है। RC बराबर क्या करेंगे, यहाँ से RC मैं बताया था पिछले क्लास में कट ऑफ रेशियो क्या होता है, तो कट ऑफ रेशियो यहाँ पे क्या हो जाएगा V3/V2, ये कट ऑफ रेशियो है। तो देखिए यहाँ ये कट ऑफ रेशियो लिखे, तो वही चीज यहाँ पे लिखा मैं कट ऑफ रेशियो, तो कट ऑफ रेशियो में V3 का वैल्यू हमको मालूम है, देखिए V3 का वैल्यू हमको यहाँ पे मालूम है, ठीक है, और V2 का वैल्यू मैं यहाँ पे निकाल चुका हूँ, ठीक है। दोनों को डिवाइड कीजिए तो आपका कट ऑफ रेशियो निकल के आ जाएगा, ठीक है, ये कट ऑफ रेशियो का वैल्यू आ गया, ठीक है। उसी तरह से फिर आप आगे चलिए, ठीक है, तो हम डेरिवेशन आगे चलिए, फिर डेरिवेशन में हम लोग किए हैं, ठीक है। फिर से यहाँ पे आपका 3 से 4 प्रोसेस को यूज किया, ओके, 3 से 4 प्रोसेस को यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यूज करते 3-4 प्रोसेस कौन सा है, 3 से 4 फिर से आइसोट्रॉपिक प्रोसेस है। इसका मतलब क्या होगा, 3 से 4 के लिए आप फिर ये इक्वेशन यूज कर पाएंगे, T V गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। जैसे ही आप यूज करेंगे तो T4 इज इक्वल टू T3 लिखेंगे, V3/V4 का पावर गामा माइनस वन। तो आप देखिए जो V3 का वैल्यू आप निकाले थे, तो V3 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, V3 का वैल्यू ये हो गया, और V4 का वैल्यू जो आप निकाले थे वो वैल्यू ये हो गया। ऊपर के इक्वेशन में देखिए V3 का वैल्यू हम यहाँ निकाले हैं, ठीक है। तो उसी तरह से आपका V3 का वैल्यू निकाल लिए, तो आप इसमें देखिए V1 = V4 है, मतलब वॉल्यूम जो आप V1 निकाले ये V4 के भी इक्वल हो जाएगा। तो ये V4 का वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो जैसे ही आप पुट करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे तो उसी तरह से आपका T4 का वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो T4 का इतना आ गया। उसके बाद आपको निकालना है कि क्यू आउट कितना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखिए क्वेश्चन में फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। वर्क डन, पहला तो मैक्सिमम टेम्परेचर आप लोग फाइंड आउट कर लिए, T3 का वैल्यू, देखिए मैक्सिमम टेम्परेचर आप फाइंड आउट कर लिए हो, T3 का वैल्यू, ये मैक्सिमम टेम्परेचर। सेकेंड क्वेश्चन है आपका कि वर्क डन पर केजी, तो वर्क डन पर केजी आप कैसे निकाल पाओगे, ये Q एडिशन आपको पता है, तो Q रिजेक्शन आप निकालोगे तब तो दोनों पर डिवाइड माइनस करके आप निकाल सकते हो, क्योंकि W नेट का वैल्यू क्या लिखोगे, Q in माइनस Q आउट, ठीक है, यही लिखोगे ना। तो इसीलिए हमको निकालना पड़ेगा कि आउट कितना हो रहा है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे यूज किया हूँ, देखिए यहाँ पे क्यू आउट मैं निकाल रहा हूँ, मैं ऑलरेडी बताया क्यू आउट ऐसे कैसे
क्यों लिखेंगे? देखिए क्यू आउट जो है कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, इसीलिए मैं यहाँ सीवी डेल्टा टी यूज किया हूँ। इसका हो जाएगा कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट वॉल्यूम पे सीवी डेल्टा टी है। डेल्टा टी क्या होगा? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे आउट ले लिए हो तो इसलिए आप माइनस साइन को निगलेक्ट कर सकते हो। तो आपका सीवी डेल्टा टी मतलब क्या हो जाएगा? टी फाइनल टेम्परेचर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से देखिए, क्योंकि यहाँ फाइनल टेम्परेचर क्या है? टी वन है और टी फोर है। तो आप फाइनल टेम्परेचर टी वन माइनस टी फोर जैसे ही लिखोगे, टी वन माइनस टी फोर लिखोगे, तो ये वैल्यू अपने आप में निगेटिव आ जाएगा। तो ये तो हीट इंट्रैक्शन का वैल्यू हुआ। जैसे ही आप क्यू आउट लिख दिए, मतलब हीट एडेड हीट लॉस बाय द सिस्टम, तो यह तो ऑलरेडी निगेटिव होता है, ये तो ऑलरेडी निगेटिव ही आएगा। तो इसलिए हम इसको टी फोर माइनस टी वन लिखेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ टी फोर माइनस T1। हर चीज को अच्छे से समझिए, साइन कन्वेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम साइन कन्वेंशन में गलत करते हैं जिसके कारण मेरा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो साइन कन्वेंशन को आप ध्यान से यूज कीजिए। तो यहाँ पे हम हीट आउट किए, तो ये तो अपने आप में आउट जैसे ही लिखे तो ये अपने आप में निगेटिव तो कम होता ही है, ठीक है। तो निगेटिव साइन को आपको निगलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 726.88 आ गया। उसके बाद आपको नेट वर्क डन फाइंड आउट करना था, जो सेकेंड क्वेश्चन मेरा था, इसमें क्या था? नेट वर्क डन फाइंड आउट करना था। चलिए नेट वर्क डन फाइंड आउट करते हैं। तो नेट वर्क डन के लिए हम क्या लिखेंगे? नेट वर्क डन के लिए लिखेंगे क्यू इन माइनस क्यू आउट। तो क्यू इन आपका गिवन है, ये गिवन है क्वेश्चन में, और क्यू आउट आपने निकाल लिया, तो इसको माइनस करेंगे तो 948.12 किलोजूल पर केजी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए कि थर्मल इफिशियंसी निकालना। उसके बाद थर्मल इफिशियंसी मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं। तो थर्मल इफिशियंसी बराबर क्या होगा? डब्ल्यू नेट अपॉन क्यू इन, डब्ल्यू नेट अपॉन क्यू इन, ठीक है। तो डब्ल्यू नेट आप लोग निकाल लिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये जनरलाइज फॉर्मूला है थर्मल इफिशियंसी। क्यू इन कितना है? क्यू इन देखिए क्वेश्चन में गिवेन है, क्यू हीट एडिशन गिवेन है क्वेश्चन में, तो यही चीज हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, W नेट यहाँ पे दे दिए और उसके बाद Q एडिशन यहाँ पे दे दिए, इसको निकाले तो यहाँ 56.6% आपका इफिशियंसी आ गया, ठीक है। उसके बाद आपको निकालना मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर मैं आपको उन लोग को ऑलरेडी बताया हूँ कि मीन इफेक्टिव प्रेशर को जब आप स्वेप्ट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे, ये देखिए स्वेप्ट वॉल्यूम है, मैं ऑलरेडी हर बार कंसेप्ट को यूज करता हूँ, आपको समझाता हूँ। यहाँ पे ये स्वेप्ट वॉल्यूम से जब ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये साइकिल जो एक्चुअल साइकिल का वर्क डन है ना, एक्चुअल साइकिल के वर्क डन की इक्वल होता है। इसीलिए मीन इफेक्टिव प्रेशर को हम स्वेप्ट मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालने के लिए वर्क नेट को स्वेप्ट वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, तो मीन इफेक्टिव प्रेशर मेरा साइकिल का निकल जाएगा। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मीन इफेक्टिव प्रेशर एक इमेजिनरी प्रेशर है ओवर अ साइकिल, ठीक है, जो कि हम इमेजिनरी उसको मानते हैं, ठीक है। और उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ जैसे ही, ओके। तो आप आई थिंक आप अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ से मीन इफेक्टिव प्रेशर को आप मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालने के लिए डब्ल्यू नेट में स्वेप्ट वॉल्यूम को डिवाइड कर दीजिए, उसके बाद वी वन का वी टू का वैल्यू पुट कीजिए, तो आपका ये निकल के आ जाएगा मीन इफेक्टिव प्रेशर, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से आप लिख दीजिए, द मीन इफेक्टिव प्रेशर इज दिस मच, ठीक है। तो आई थिंक आप ये क्वेश्चन के हर पॉइंट को अच्छे से समझे होंगे, हर कंसेप्ट को काफी माइन्यूटली एनालाइज किए होंगे। वीडियो का स्टार्ट से अंत तक देखिए, हर पॉइंट को नोट डाउन कीजिए और इस तरह का क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन काफी अच्छे अच्छे लेवल का एग्जाम में आता है। इंडियन इंजीनियरिंग यूपीएससी का एग्जाम होता है, उसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक ही क्वेश्चन मैंने उठाया, लेकिन इसमें बहुत सारे कंसेप्ट है, बहुत सारे, इसलिए क्वेश्चन को आप काफी बेहतरीन ढंग से समझिए, कंसेप्ट को काफी अच्छे से एनालाइज कीजिए, क्योंकि आप कोई भी नए क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो इसी तरह का कुछ कंडीशन गिवन होगा और आपको अच्छे से सॉल्व करना होगा। सही डायरेक्शन में आप जाओगे तो हर क्वेश्चन आपका सही डायरेक्शन में सॉल्व होगा और आप चीजों को अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो आप ये चीज आई थिंक अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप वीडियो को स्टार्ट से लेकर अंत तक देखें और हर पॉइंट को नोट डाउन करें, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।